अस्सलाम वालेकुम जी, आज पांचवा दिन है हमारे सफ़र का और अभी हम वापस कंटिन्यू करने लगे हैं चिल्ला से सियालकोट की जानिब। आज आँख थोड़ी लेट खुली है तो तकरीबन 9 बज गए हैं अभी। और नाश्ता इमरान को भी भूख नहीं थी और मुझे भी भूख नहीं है, तो नाश्ता हमने फ़िलहाल आगे करने का प्रोग्राम बनाया। दासू से तकरीबन 80 किलोमीटर पहले हमें ये पहला ब्लॉक मिला है। वो ऊपर ब्लास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, वो आपको पत्थर गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये इधर ट्रैफिक को रोका हुआ है और ये सारे जब ये इनका काम कंप्लीट होगा उसके बाद ये शेवल जाएगा, रोड को साफ करेगा, तो फिर ट्रैफिक कंटिन्यू होगी। ये इधर जो काम चल रहा है वो बेसिकली KKH को रीराउट किया जा रहा है, क्योंकि ये जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह बिल्कुल डैम में आ जाएगी। जो दयामर बाशा डैम है उस जगह पे हम मौजूद हैं, तो ये जो एग्जिस्टिंग KKH है ये उसमें आ जानी है और फिर ऊपर एक नई रोड तामीर हो रही है, ये उसी की वजह से ब्लास्टिंग हो रही है। दोनों साइडों से इक्विपमेंट मूव हो गया है, अपना जो भी उधर डेब्रिस वगैरह हैं, पत्थर वगैरह हैं, उनको रिमूव करने के लिए। तो अभी वो उधर से क्लियर करके फिर कॉल आएगी, तो इधर से फिर जो है ट्रैफिक थ्रू होगी। ये सेकंड स्टॉप है जिस जगह पे रोका गया हमें, ये दूसरी जगह है, ब्लास्टिंग हो रही है। ये आपके सामने है सूरत हाल, तो पीछे तकरीबन आधा घंटा हमें लग गया और इधर भी अभी ही जस्ट मेरे ख्याल में रोड बंद हुआ है, क्योंकि हमारे पीछे ये सिर्फ एक ही ट्रक है जो खड़ा है, बाकी और कोई ट्रैफिक नहीं, तो इट मीन्स ये अभी बंद हुआ है। तो अब देखते हैं इधर कितना टाइम लगता है, और आज तो मेरे ख्याल में दासू तक तो यही मामला रहेगा। वो ऊपर से ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो वैसे जब ये कभी बन जाएगा KKH का रोड ऊपर, यानी KKH बन जाएगी और नीचे डैम होगा, तो इधर का व्यू भी कमाल होगा। ये वो एरिया है जिधर से लैंडस्लाइड अभी, जो ऊपर से मटेरियल उन्होंने ब्लास्टिंग के जरिए नीचे फेंका, तो उस एरिया से हम गुजर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा एज ले रहे हैं आगे होने का, ताकि ट्रैफिक में ना फंसे हम। ये तीसरी जगह हम रुके हैं, वो जो ब्लास्टिंग वगैरह हो रही है रोड के लिए, KKH के लिए। तो खैर, ये आज का हमारा शुगल यही है। खैर, अभी बस खुलने लगा है रोड, वो बता रहे हैं कि बस वो इक्विपमेंट आगे गया है साफ़ करने के लिए, सफाई करने के लिए। ये थर्ड क्लियरेंस है, ये लैंडस्लाइड इधर सारे पत्थर वगैरह आए थे, इधर से उन्होंने साफ किए। सुमरनाले पहुंच गए हम, खैर हम स्टे नहीं इधर करेंगे। तो ये रहा सुमरनाला, और इधर खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें भी हैं।
एक जगह और रास्ता बंद है, वेट करते हैं इधर। ये जो रास्ता बंद है बरसीन के मुकाम पे, तो ये रास्ता किसी रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं बंद, ये बेसिकली आगे कुछ झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े की वजह से कुछ जख्मी हुए हैं लोग, तो रोड ब्लॉक है आगे। तो ये सेफ्टी के लिए लोगों की पुलिस ने इधर रोका हुआ है इस तरफ ट्रैफिक को और दूसरी तरफ भी। तो जैसे ही अभी कोई पुलिस अफसरान भी आए हुए हैं और दूसरे भी जो मैनेजमेंट के बंदे हैं गवर्नमेंट के, वो भी आए हुए हैं, जैसे ही कोई मुज़ाकरात होंगे तो ये इधर से फिर ट्रैफिक को थ्रू करेंगे। जब आप चिलास से दासू की तरफ आएँ तो आपके ये हालात होते हैं जो इस टाइम दे रहे हैं। तो आज चूँकि सुबह नाश्ता भी नहीं था किया, तो अभी भूख जो है फुल ज़ोरों की लग गई है, क्योंकि दोपहर का एक बज चुका है, तो अब शदीद भूख से बुरा हाल है। तो इधर ही एक रेस्टोरेंट है, तो इधर ही हम रुके हैं, और इनके पास दाल है और सब्ज़ी है, दो ही चीज़ें, तो दोनों का ऑर्डर दिया कि ये हमें दाल और ये सब्ज़ी मिली है। लाइन तो अभी बहुत लंबी हो चुकी है, मैं काफ़ी देर से चलता हुआ आ रहा हूँ, लोग परेशान हैं, बड़ी लंबी लाइन है। अब तो जो इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह उधर खाना शाना भी ख़त्म हो गया। तकरीबन ढाई घंटे बाद रास्ता खुल गया है और अफरा तफरी का आलम है इधर, तो हमें ढाई घंटे हो गए। अच्छा, टोटल ये हमसे भी ढाई घंटे पहले का बंद है रास्ता, टोटल पाँच घंटे हो गए रास्ता बंद। उधर से जान छूटी है, तो गुज़िश्ता कोई आधे पौने घंटे से ये ट्रैफिक में फंसे हुए हैं ट्रकों के पीछे, ये ट्रेलर आगे और ये साथ हैवी ट्रैफिक है। पूरे की कोई पौने घंटे की मशक्क़त के बाद वो दो ट्रेलर क्रॉस कर लिए और आगे ट्रैफिक भी नहीं है, मज़े की बात ही है। बैक ऑन ट्रैक अगेन। ये दरिया का जो खूबसूरत नज़ारा है, जो कलर है, वो आप मुलाहिज़ा करें कि कमाल का एक खूबसूरत नज़ारा है। और ये तकरीबन बेशान से 40 किलोमीटर पहले ये मुकाम है जिधर मैं खड़ा हूँ। बेशान सिटी क्रॉस कर रहे हैं हम, और प्रोग्राम यही है कि इधर ना रुका जाए, आगे जा आगे कहीं रुका जाए। पटग्राम बाज़ार में हैं हम इस टाइम, लेकिन अभी सिर्फ 7:30 हुए हैं और बाज़ार 80% सारा बंद हो चुका है। बड़ी अच्छी बात है, बल्कि हमारे शहरों में भी ऐसे होना चाहिए। खैर, लेकिन एक मुश्किल भी है कि खाने पीने में बड़ी लिमिटेड चीज़ें हैं। तो ये एक रेस्टोरेंट हमें मिला है, पाक अफगान दुबई होटल एंड रेस्टोरेंट। तो ये बस ऊपर जाते हैं, ये ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे। वाह, बाहर से तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा था, लेकिन ऊपर इनका खासा बड़ा सेटअप है, ये सिटिंग सारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई जान, ठीक ठाक हैं? तो अभी इमरान भी देख रहा है किधर बैठा जाए, बैठने को जगह देखते हैं, ये जगह भी मिल गई। आप बैठने तो नहीं लगे, बैठने लगे, बैठे बैठे नहीं मिली जगह, हर जगह देख के बैठते हैं। ऑर्डर हमारा आ गया, काबली पुलाव, ये कॉम्प्लीमेंट्री है काबली पुलाव के साथ, और ये बीफ टिक्का, और ये रोटी। खाना चूके हम खा चुके हैं, और अब बात करते हैं बिल की। तो ये रहा जो खाना हमने खाया उसका टोटल बिल, तो नॉमिनल है। ये रहा बटग्राम में हमारा रूम, और साफ सुथरा रूम है, ये आप देख सकते हैं, वॉशरूम भी साफ सुथरा है, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए रूम में वो मौजूद हैं, वाईफाई भी है, गर्म पानी भी है। अगर रूम के चार्जेस की बात करें तो जो हमने पे किए हैं वो हैं 1200। बटग्राम में लारी अड्डा के नज़दीक ही ये सरीना गेस्ट हाउस है जिसमें हम ठहरे हैं। बाइक्स हमने ये खड़ी की थी ये सेन में, तो सेफ खड़ी रही बाइक्स,
तो अभी हम इधर से निकलने लगे हैं, इमरान रेडी हो गया है और ये भाई होटल के ऑनर हैं। तो अब इधर से हम कंटिन्यू करने लगे हैं और आज का मंजिल है हमारी सियालकोट। फ्यूल हम बटग्राम से ही टॉप अप करवा के निकलने लगे हैं ताकि, और ये सियालकोट तक के लिए फ्यूल हमारे लिए काफ़ी हो जाए, तो वजह से अभी टैंक फुल करवाते हैं और फिर आगे सफ़र को जारी रखते हैं। हो गया था तो ऑयल चेंज करवाया, अभी फिर नाश्ते के लिए रुके हैं। और एबटाबाद से आपको 12 किलोमीटर पहले हमें ये जगह नज़र आई है, तो बड़ी टिपिकल बर्तन मट्टी के पड़े हुए थे, आग जलाई हुई है नीचे। तो माँ जी कटवा होटल एंड रेस्टोरेंट के नाम से ये जगह मशहूर है। तो एबटाबाद से 12 किलोमीटर पहले ये जगह है और कटवा दाल कटवा गोश्त इनका मशहूर है। कटवा ये कहते हैं मिट्टी के बर्तन को और ये उसमें पकाते हैं। गोश्त का आज नागा है, बुध है, तो आज दाल ही हमें मिलेगी और साथ ये पुलाव भी बनाते हैं देख के अंदर। तो खैर हम दाल और पुलाव चेक करते हैं तो फिर आपको उसके टेस्ट के बारे में बताते हैं। ये सिटिंग है, सिटिंग भी अच्छी है। बाहर अगर आप देसी स्टाइल में बैठना चाहें तो देसी स्टाइल में भी बैठ सकते हैं और साथ इनका फर्नीचर का काम है, इसलिए आपको अलमारियाँ रैक्स वगैरह शोकेस वगैरह नज़र आ रहे हैं और ये बाहर से ये आपको नज़ारा नज़र आता है। ये रही कटवा दाल और साथ में ताज़ी कटी हुई मूलियाँ और पुलाव भी आ रहा है। ये रहा जी पुलाव, चिकन पुलाव, ये भी देग में बना हुआ है। अब चाय का दौर चलने लगा है। खाना हम खा चुके हैं, खाने का टेस्ट ज़बरदस्त था। इधर रुकने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो कुछ भी इधर बना होगा वो सारा कुछ लकड़ी के ऊपर बना होगा, तो खाने के अंदर से एक जो लकड़ी के ऊपर बनने की एक टिपिकल स्मेल होती है चाय के अंदर खाने के अंदर, वो सारी आपको मौजूद पाई जाएगी, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अदरवाइज़ खाना अच्छा था, एक डिफरेंट टेस्ट था, मज़ा आया खाना खाने का। और जो टोटल बिल बना है हमारा इस खाने का वो है 370 रुपये, बहुत नॉमिनल था। और अब हम करने लगे कंटिन्यू इधर से और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा इंशाल्लाह वो होगा रावलपिंडी क्रॉस करने के बाद जीटी रोड। पहुंच गए हैं और जैसे ही टैक्सला से जीडी रोड पे चढ़े हैं तो इंतहाई ब्लॉक ही ट्रैफिक है और पिंडी में भी यही हालात हैं ट्रैफिक के। तो अभी भी ये एक सिग्नल पे रुके हुए हैं, तो बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम जो जीडी रोड है रबात वाला उधर पहुंच जाएंगे, तो उधर एक स्टे करेंगे शॉर्ट और उधर से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।
इंतहाई आला किस्म की हवारी काटने के बाद एबटाबाद से रवा तक बेपनाह किस्म के ट्रैफिक जैम थे और गंदी ट्रैफिक थी और गर्मी बहुत थी। मेरी शर्ट पूरी अभी पसीने में भीग रही है। तो अभी हम पहुंचे हैं मंदरा। मंदरा में एक छोटी सी टी ब्रेक की है और प्रेयर ब्रेक की है। चाय पीने के बाद हम यहाँ से इंशाल्लाह निकलेंगे और सीधा जाएंगे सियालकोट। चाय आ गई है और चाय दूध पत्ती बड़ी स्पेशल किस्म की बनवाई है, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये हमारे बकाया सफ़र में। फाइनली बैक टू सियालकोट। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड मैं सियालकोट पहुंच चुका हूं। इमरान अपने घर चला गया है और मैं भी बस अपने घर को जा रहा हूं। तो इंशाल्लाह किसी नए सफ़र में वापस आप मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।